वो है लास ओलास बेस्ट बीच क्लब ऑफ गोवा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है लास ओलास, जो कि बहुत ही फेमस है गोवा में। और अभी मैं हूँ कहाँ, बागा बीच में। तो क्या बागा बीच में मिलती है, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे मिलती है और कैसे जाना है, और ये भी बताऊंगा कि क्या बागा बीच में मिलती है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और बहुत मज़ा आने वाला है। और आप देख सकते हैं लाइव इंटरटेनमेंट आपको सुनाई दे रहा होगा और ऐसी ज़बरदस्त माहौल डेली बना रहता है यहाँ पर। अगर आपको रियल में मज़ा करना है, इंजॉय करना है, सिंगल बॉयज़ हैं या सिंगल गर्ल्स हैं, तो गोवा के इस बीच पर मतलब बागा बीच पर रात में 10 बजे के बाद जरूर आना। यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपके एंटरटेनमेंट के लिए, लाइव म्यूजिक के साथ बियर, हुक्का बार एंड क्लब एंड डांस एंड बहुत कुछ। कैंडल लाइट डिनर अगर आपको करना है, अगर आपको देख सकते हैं कि कैंडल लाइट डिनर का भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल बॉयज हैं तो रात के 11 से 12 बजे के बीच यहाँ पर आओ तो आपको सब कुछ मज़ा ही मज़ा मिलेगा और आप गोवा का इंजॉय कर पाओगे। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे चल के आपको और इंटरटेनमेंट वाली चीज़ दिखाता हूँ जो कि आप देखना चाहते हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन अगर आपको इनमें बैठना है तो इनमें बैठने का कोई चार्ज नहीं है, अगर हुक्का पीना है तो हुक्के का भी कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा इनमें, अगर कैनोपी ये सेट बने हुए हैं, इनमें बैठने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके रेस्टोरेंट से कुछ आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। इनका रेस्टोरेंट जस्ट पीछे साइड है, ओके। तो आपको इनके रेस्टोरेंट से कुछ खाना या पीना या ड्रिंक्स, बियर या फिर डिनर आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, तभी आप इनमें बैठ सकते हैं। बैठने का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन न्यू ईयर में बैठने का चार्ज हो जाता है हमेशा। न्यू ईयर मतलब जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तब ये लोग बैठने का चार्ज भी लेने लगते हैं। तो बागा बीच में लास उलास के अलावा क्या फेमस है, एक तो नाइट पार्टी, लाइव डीजे, और क्या गोवा में मिलती है, क्या बागा बीच में मिलती है, तो आगे चल के मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। रुको अभी यहाँ पे शादी जैसा माहौल तो देख लो, ये आप माहौल देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल है, लग रहा है किसी की शादी है या मैरिज पार्टी में आप जा रहे हो। ये एक दिन नहीं, हमेशा पूरे साल ऐसा ही माहौल रहता है, चाहे आप बरसात में हो, ठंडी में हो या गर्मी में, जो कि बरसात में अदर बीचेज बंद हो जाते हैं लेकिन बागा बीच कभी बंद नहीं होता है। और आपके यहाँ पर इंजॉय करने के लिए सब कुछ उपलब्ध रहता है, यहाँ तक कि बरसात में भी। तो अभी तो फिलहाल दिसंबर का माहौल है, दिसंबर जनवरी का माहौल चल रहा है, लेकिन अगर आप कभी भी आओगे ना तो ऐसा ही माहौल मिलेगा। चलिए अब मैं डार्क प्लेस की तरफ चलता हूँ, जहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि आपके इंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पर क्या है। तो थोड़ा और आगे चलता हूँ और आगे चल के आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। अब जस्ट मैं पहुंच गया हूं उस एरिया में, और ये लड़की जो मैं आपको दिखाने वाला हूं बहुत देर से यहां पे आगे पीछे मेरे घूम रही है और ऐसे ही सस्पिशियस एक्टिविटी कर रही है, ये वाली लड़की ऐसे ही। तो यहां पे अगर रात में आप 12 बजे के बाद आओगे ना तो ऐसी लड़कियां बहुत मिल जाएंगी घूमते हुए, आप उनसे पूछ सकते हैं और जो भी है कर भी सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you for watching.